Praise the Lord and good morning and greetings in Jesus' name. और आप सबको आज की सुबह जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूँ. All of you who listens to these meditations. और आप में से वे सब जो इन मनन को सुनते हैं. I request you to pray also for these words that are going out. मैं आप सब से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रार्थना भी जरूर करें मनन के लिए, इस मनन के लिए जो निकलकर बाहर निकलकर कई लोगों तक पहुंचता है. Our last meditation was taken from John chapter 15 verse 5. और हमारा पिछला मनन लिया गया था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय के 20वें वचन से. We shall continue this meditation. और हम इस मनन को अपने जारी रखेंगे. We shall continue our meditation on this passage which says Jesus says, I am the vine and you are the branches. और हम इस वचन पर अपने मनन को बनाए रखेंगे जो कहता है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फलता है. Apart from me, you can do nothing. क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. Our first meditation on Tuesday was closed with the amazing thought that for Jesus his disciples are indispensable. और हमारे पिछले मनन को हमने ये कहकर समाप्त किया था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके चेलों को उससे अलग नहीं किया जा सकता. And for the disciples, Jesus Christ is indispensable. और चेलों के लिए भी यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसे अलग उनसे नहीं किया जा सकता. This is by his own or Christ's own appointment. और ये तो खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्ति के अनुसार है. It is through his disciples his fruit may be found. और ये तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा ही है कि उसके फल पाए जाएं. So the next thought is. और इसलिए जो अगला विचार है. There are two more thoughts. और दो और विचार हैं. All that the vine possesses belongs to the branches. और वो सारी बातें जो डाली के पास हैं, वो दाखलता की. That means. इसका मतलब है. Everything that Jesus Christ possesses belongs to us. और इसका मतलब ये है कि हर एक वो बात जो यीशु मसीह के पास है, वो चेलों के पास है, वो यीशु मसीह की ओर से है. The vine does not gather from the soil its fatness. और याद रखिए वो तना कभी भी मिट्टी से उसकी मोटाई या मोटाई को या ऐसे तत्वों को नहीं खींचता. And whatever else needed like water and sweetness and everything. या दूसरे और भी तत्व जैसे पानी और अलग अलग पोषण तत्व जिसे पेड़ को या डालियों की आवश्यकता है. The vine does not gather these for itself. याद रखिए वो दाखलता खुद के लिए इन्हें उस मिट्टी से नहीं खींचती. And therefore, और इसलिए, all that the vine has is at the disposal of the branches. हर एक वो बात जो डाली के पास है वो क्षमा करेगा दाखलता के पास है वो डालियों के लिए है. Now, we owe our life to him. और हम अपना जीवन हमारा जीवन उसी का है. And how completely he has given of himself. और कितना पूर्ण रूप से उसने हमें खुद के लिए दे दिया है. For whom? किसके लिए? For us. हमारे लिए. For you. आपके लिए. For me. और मेरे लिए. What an amazing, wonderful God we have. और कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है. In his prayer, he says to his father. और अपनी प्रार्थना में वो अपने पिता से कहता है. The glory you gave me, I have given them. और वो महिमा जो तूने मुझे दी है वो मैंने अपने चेलों को दे दी. Can you imagine that? क्या आप इसे सोच सकते हैं? Jesus' own glory has been given to you and to me. और प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपको और मुझे दी गई है. He has not withheld anything from us. और उसने हमसे किसी भी बात को छिपा करके नहीं रखा. He says. और वो कहता है. He that believes in me. वो जो मुझ पर विश्वास रखता है. The works that I do shall he do also. वो कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा. And great works shall he do. और वो महान कार्य करेगा.
How many of us really remember this and with gratitude and humility depend on him that you may be a great blessing to others? और आप कितनी दीनता और महानता के संग अपने कार्य को ऐसे करते हैं कि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए? All his fullness, और उसकी पूरी परिपूर्णता, all his riches are all उसकी पूरी समृद्धि आपकी है. Remember, the father says to the oldest son, और याद रखिए पिता तो अपने सबसे बड़े बेटे से ये कहता है. In the story, in the parable of the prodigal son, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह सुड़ाव पुत्र का दृष्टांत को देता है. All that I have are all yours. जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तेरा है. What a wonderful God we have. और कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है. Everything heavenly, everything divine, and all his power and authority and glory, everything is released for you and for me. और हर एक वो बात, वो महिमा, वो स्वर्गीय ज्ञान, वो सारी स्वर्गीय आशीषें, सब कुछ आपकी और मेरे लिए परमेश्वर ने दे दिया. The last thought is, जो अंतिम विचार है, in the same way, इसी तरीके से, all that the branch possesses belong to the vine. कि इसी प्रकार से जो कुछ डालियों के पास है वो भी दाखलता का है. Remember always, हमेशा याद रखिए, the branch exists only for one thing, कि वो डालियां सिर्फ एक ही कारण रहती हैं, to bear fruit, कि वो फल लाएं, to bring forth the fruit to the make it visible to us, और ताकि वो फल लाएं और वो हमें दिखने पाए. Fruit that can proclaim the excellence of the vine, और वो वृक्ष या वो ऐसा फल जो उस वृक्ष के या उस दाखलता की निपुणता और गुणवत्ता को दिखा सके. Yes, the wonder of this condescension, what is it? और सच में इस अद्भुत विचार का क्या अनुभव है? The beauty of relationship, कि वो सुंदरता को दर्शाता है एक रिश्ते की. The sweetness of this union between you and him, और वो मिठास जो एक ऐसे रिश्ते से आती है, जो एक ऐसा रिश्ता जो आपके और उसके बीच में है. Between me and him, और जो मेरे और परमेश्वर के बीच में. In other words, between the church and Jesus Christ, या दूसरे शब्दों में कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के बीच जो रिश्ता है. We can only say, और हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, how marvelous, और कितना अद्भुत, how wonderful, और कितना अपार्य is my savior's love for me, है परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता का प्रेम मेरे लिए. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, और मैं तो उस प्रभु यीशु मसीह जो नाजरीन या नाजरत नगर से आता है उसकी उपस्थिति में भौचक्का और अद्भुत रूप से खड़ा हूं. And wonder, और ये सोचता हूं, how he could love me, कि वो मुझसे कैसे इतना प्रेम कर सकता है. A sinner, condemned, unclean, एक पापी जिसे दोषित है और जो साफ नहीं है, ऐसा शुद्ध. ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओ मेरे भाइयों और बहनों, और यंग पीपल हु आर लिसनिंग, और जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचिए. इट इज मार्वेलस इन आवर आईज, ये तो हमारी नजरों में अद्भुत है. Only God could do this. और सिर्फ परमेश्वर ही ये कर सकता है. How generous he is. और कितना उदार ये है. How selfless he is. और कितना निस्वार्थ ये है. Our God. हमारा परमेश्वर. What a friend we have in Jesus. और कैसा मित्र हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में है. He loved us so much. और उसने हमसे ऐसा प्रेम किया. That he gave of himself in all his totality. कि उसने खुद को अपनी पूरी परिपूर्णता में हमारे लिए दे दिया. Be grateful to God. और इसलिए परमेश्वर के प्रति आप धन्यवादित रहें. How are we going to respond to such love and such generosity? और ऐसे प्रेम और ऐसी उदारता के प्रति हम कैसे उत्तर दें? Give ourselves. हम खुद को दे दें. Give our best. अपना सबसे उत्तम दें. And give ourselves totally. और पूरी परिपूर्णता से खुद को दे दें. And serve him with our whole heart and soul and mind and strength. और अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी शक्ति से उसकी आराधना करें. Let the master
be pleased. होने दे हमारा स्वामी और प्रभु हमसे प्रसन्न होने पाए. Let us honor him. और उसका आदर हम करें. By living a holy life. ये पवित्र जीवनों को जीने के द्वारा. And we need the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. So Lord Jesus. और इसलिए हमारे पर प्रभु यीशु मसीह. This morning we humble ourselves. और इस सुबह हम खुद को दीन करते हैं. We bow before you. हम आपके समुख झुकते हैं. Pray that you pour out your love within us. और ये प्रार्थना करते हैं कि तू अपने प्रेम को हमारे भीतर उड़ेल. Pour out your Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा को हमारे भीतर उड़ेल. That we may possess the fullness of the Holy Spirit. ताकि हम उस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को लें. And enjoy the anointing of the Holy Spirit. और उस पवित्र आत्मा के अभिषेक का आनंद लें. That we will be used of you. ताकि हम तेरे द्वारा प्रयोग किए जाएं. And that we will continue to declare and proclaim the excellence of God Almighty. ताकि हम निरंतर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महानता और उदारता का वो परिपूर्ण रूप से गुणगान करते रहें. थैंक यू. धन्यवाद. इन जीसस नेम. यीशु के नाम में. आमेन. आमेन. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. दिस इज अ ग्रेट डे. ये एक महान दिन है. गो फोर्थ एंड ब्रिंग फोर्थ फ्रूट. और आप आगे बढ़े और परमेश्वर के लिए फल लाएं. आमेन. आमेन.